बिहार कोलियरी कामगार यूनियन की बैठक सोमवार को वीआईपी क्लब डकरा में जोनल अध्यक्ष रतिया गंजू की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन इरफान खान के द्वारा किया गया। बैठक में 29-30 सितंबर को एनके एरिया के वीआईपी क्लब डकरा में होने वाले सीसीएल रीजनल का सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तैयारी समिति के सदस्यों के साथ चर्चा हुई। इस दो दिवसीय सीसीएल स्तरीय सम्मेलन को लेकर केंद्रीय सदस्य धनेश्वर तुरी ने कहा कि दो दिन होने वाले इस सम्मेलन में सीसीएल जोन से 100 डेलीगेट भाग लेंगे और नई कमेटी का भी चुनाव किया जाएगा। इस मौके पर जोनल सचिव जंग बहादुर राम, एरिया अध्यक्ष इरफान खान, संतोष मेहता, राजेश महतो, अरुण सिंह, चंद्रशेखर वर्मा, मेहंदी हसन खान, वीरेंद्र महतो समेत कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग यहाँ तैयारी समिति का बैठे बैठे थे, चूंकि 29-30 सितंबर को सीसीएल रीजनल का BCQCI2 का सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में कोयला उद्योग का स्थिति के साथ साथ देश और राज्य के अंदर में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो हो रहा है, जिस तरह से आज महंगाई है, बेरोजगारी है, उद्योग धंधा बंद हो रहा है, लोग असमंजस की स्थिति में है और दो नंबरी लोग गुलछरे उड़ा रहे हैं, साथ ही साथ कोयला उद्योग और पब्लिक सेक्टर को बचाने का चुनौती भी हम लोग के सामने है। इन सारे मुद्दों पर सम्मेलन में हम लोग चर्चा करेंगे। देश का जो एचएसी आज 17-18 महीनों से बंद है। अभी जो चंद्रयान 3 का जो सफल प्रयोग हुआ, उसका लॉन्चिंग पैड समेत उसका उपकरण का निर्माण एचएसी के मजदूर किए और कोयला उद्योग में भी एचएसी का बना हुआ मशीन आज चल रहा है, लेकिन आज संकट के कगार पर है। वही हालत आज कोयला उद्योग में है। जब नेशनलाइजेशन हुआ था 7.5 लाख कोयला मजदूर थे, आज घटकर 2.5 लाख रह गए हैं और सोर्सिंग ठेका मजदूर बढ़ा है और ठेका मजदूरों का जो समान काम का समान मजदूरी का लड़ाई आज भी हमारा बाकी है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग सम्मेलन में चर्चा करेंगे और आगे आंदोलन का रणनीति हम लोग तय करेंगे।